नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजभूषण तिवारी है। मैं आप लोगों को बिरला हॉस्टल पर लिखी कविता सुना रहा हूँ, जो कि बहुत काफ़ी फेमस हुई है। बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बिरला हॉस्टल में रहा करता था। तब मैंने क्या देखा कि मई जून के महीने में चिलचिलाती धूप में बिरला चौराहे तक लड़की खड़ी। उसको देख करके मेरे मन में अजीब सवाल उठने लगे। मैं रूम में गया, सो गया और ये देख रहा हूँ कि ख्वाब में मैं उससे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो गुफ्तगू और बातचीत की शुरुआत मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं लड़की से कहता हूँ कि तुमको इश्क में क्यों काला बाजारी नज़र आता है, मुझे तो हरा भरा खेत और क्यारी नज़र आता है। वाह क्या, इतने कड़क धूप में इंतजार किसका, सामने देखो बिरला का तिवारी। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। इतना सुनने के बाद लड़की क्या बोलती है? इसे लड़की से बात करने का लड़कों का अपने एक अंदाज होता है, एक अदा होती है। लड़की क्या बोलती है सुन के, इस अदा में बड़े अजीज नज़र आते हो, तुम तो बिरला वालों की फटी कमीज नज़र आते हो। इस अदा में बड़े अजीज नज़र आते हो, तुम तो बिरला वालों की फटी कमीज नज़र आते हो, और करते हो बात तो मुँह से बदबू आती है, हेरिटेज हॉस्पिटल का मरीज नज़र आता है। इतना सुनने के बाद मैं जवाब देता हूँ कि तेरे इश्क में इतना अजीज नज़र आता हूँ, बिरला वालों की फटी कमीज नज़र आता हूँ, तुमने की मोहब्बत में इस कदर बेवफाई, मैं संभलते संभलते दिल का मरीज नजर आता है। इतना इतना सुनने के बाद लड़की क्या बोलती है? अपने बैग से बोतल निकालती है और कहती है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, होंठ तुम्हारे सूख रहे हैं, लो पियो पहले। तब लड़का जवाब देता है, मैं फिर से बोलता हूँ कि अब तो इस पानी में भी जाम नजर आता है, इसलिए दीवाना इतना बदनाम नजर आता है, पास हो कुछ पैसे तो दे दो मेरी जान, सामने ठेले पर बादाम नजर आता है। क्या बात है, वाह। इतना सुनने के बाद लड़की बोलती है कि तेरा दिमाग तो मुझे लंका पर लगा जाम नजर आता है, तेरे परिवार में कोहराम नजर आता है, रख लो ये पैसे कराओ मोतिया बिंद का इलाज, बड़ा बड़ा आलू तुझे बादाम नजर आता है। एक बार और मुकर्रर। इतना सुनने के बाद जो लड़की बोलती है कि तेरा दिमाग तो मुझे लंका पर लगा जाम नजर आता है, तेरे परिवार में कुहराम नजर आता है, रख लो ये पैसे कराओ मोतिया बिंद का इलाज, बड़ा बड़ा आलू तुझे बादाम नजर आता है। इतना सुनने के बाद लड़का जवाब देता है, अर्थात मैं जवाब देता हूँ कि लगता है मैं इश्क में मदहोश हो गया हूँ, पी कर जाम दिन में बेहोश हो गया हूँ, अब कृपया मुझे गालियाँ मत दीजिएगा, आपके कहने पर मैं खामोश हो गया हूँ। तब लड़की कहती है कि तेरी खामोशी मुझे इस कदर सताती है, तुम ना बोलो तो मेरी जान जाती है। क्या बात। तब लड़का फिर रिस्पॉन्स करता है, फिर वो जवाब देता है कि इस अदा में तुम बड़ी अजीज नजर आती हो, तुम भी मेरी जान दिल का मरीज नजर आती हो। इसके बाद लड़की ये जवाब देती है, अंतिम पंक्तियाँ हैं, लड़की ये बोलती है बिरला वालों से टक्कर नहीं। तब लड़की जवाब देती है कि कोई कोच कोई मेंटर ले चलो, इश्क की पुताई करने के लिए कोई पेंटर ले चलो, हम और तुम दोनों हो गए हैं दिल का मरीज, तो तुम भी चलो और मुझे भी हेल्प पेंटर। ये रहा बिरला की कविता, आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको सुनिए, बहुत उम्दा है। ख्वाब अक्सर यहीं से शुरू होता है, ये चौराहे के। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा चैनल है मधुर बीएचयू के नाम से, आप लोग उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो।